नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आखिरी चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया के एक रैली में कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार बहुत पहले भी राजनीति छोड़ने का मन बना लिए थे? 70 साल के नीतीश कुमार अब तक 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि नीतीश कुमार 29 वर्ष की उम्र में राजनीति छोड़ने का मन बना लिए थे। इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। दरअसल 29 की उम्र में ही नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले थे। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 1974 से 1977 तक जेपी आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने 26 साल की उम्र में पहली बार 1977 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की हरनौत सीट से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। 1980 में एक बार फिर से नीतीश कुमार हरनौत से ही जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी वो जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सके। लगातार 2 हार झेलने के बाद नीतीश कुमार निराश हो गए। उन्होंने राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया था। वह राजनीति छोड़ ठेकेदारी करना चाहते थे। दरअसल उस वक्त नीतीश कुमार 30 साल के हो चुके थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। नीतीश कुमार को पढ़ाई छोड़े भी 5 साल से ज्यादा हो गया था और उस वक्त जिम्मेदारियों की बोझ भी उनके कंधे पर आ गई थी। नीतीश कुमार शादी के इतने सालों बाद भी कमाई का कोई ठोस जरिया नहीं बना पाए थे। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर नीतीश राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। उनका मानना था कि जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए किस्मत ने कुछ और ही तय करके रखा था। 1985 में हरनौत सीट से लोकदल ने उन्हें टिकट दे दिया। यह तीसरा मौका था जब नीतीश कुमार चुनावी मैदान में थे। इस बार नीतीश कुमार 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतीश कुमार संसद भवन तक पहुंचे और केंद्र में मंत्री भी रहे। 2005 में नीतीश कुमार लालू यादव को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए और जीत हासिल कर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 2005 से अब तक 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अंत भला तो सब भला। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। वो न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस समय नीतीश कुमार जदयू पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं। शरद यादव को नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। हालांकि इन दिनों नीतीश कुमार का शरद यादव से संबंध अच्छे नहीं है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।